नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कि शर्मा यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं अबंडन वायर के बारे में। यहाँ पे वायर, ये जो टार में, इससे शायद आपको लग रहा होगा कि किसी तरह का कोई वायरस है या फिर मैलवेयर या फिर स्पाईवेयर का जुड़ा भाई है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अबंडन वायर एक पूरी तरीके से डिफरेंट चीज़ है जिसके बारे में मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। इन शॉर्ट बात करें तो अबंडन वायर बेसिकली एक तरह का कॉन्सेप्ट है, इसके अलावा और कुछ नहीं। अगर आपको थोड़ा सा डिटेल में जानना है तो आपको ऑब्वियसली इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं कि अबंडन वायर है क्या। जैसे कि आपको पता है कि आज की डेट में जो कंप्यूटर्स है, जो हमारे कंप्यूटर के हार्डवेयर है, वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुका है। अब जो पुराने कंप्यूटर्स थे, जो पुराने हार्डवेयर्स थे, वो आज की डेट के कंपैरिजन में काफ़ी स्लो होगा। उस टाइम पे जो गेम्स अवेलेबल था वो ऑब्वियसली उस टाइम के हार्डवेयर के हिसाब से अवेलेबल था। जो सॉफ्टवेयर थे वो भी उस टाइम के हिसाब से ही बनाए गए थे। वो जो पुराने सॉफ्टवेयर से, जो पुराने गेम्स है, वो कुछ केसेस में हमारे कंप्यूटर में चल जाते हैं पर बहुत सारे केसेस में नहीं चलते हैं। तो ये जो पुराने सॉफ्टवेयर से, ये जो पुराने गेम्स है, ये पुराने सॉफ्टवेयर या फिर गेम्स अबंडन वायर में कन्वर्ट होते हैं। मतलब इसी को हम अबंडन वायर के नाम से जानते हैं। पर इसके लिए कुछ क्राइटेरियाज है जो मैं आपको धीरे धीरे बताता हूँ। अगर कोई एक सॉफ्टवेयर या फिर गेम अबंडन वायर में कन्वर्ट हो रहा है तो इसके पीछे कुछ चीज़ें होनी चाहिए, कुछ चीज़ें ज़रूरी है उसमें। जैसे कि अगर उस कंपनी का वो जो सॉफ्टवेयर है, जिस कंपनी ने उस सॉफ्टवेयर को या फिर उस गेम को बनाया है, वो कंपनी आज की डेट में कोई भी उस प्रोडक्ट का सेल नहीं करता है, वो जो पुराना प्रोडक्ट था, पुराना जो सॉफ्टवेयर था, पुराना जो गेम था, उसका सेल आज की डेट में नहीं करता है, उसका कस्टमर सपोर्ट भी बंद हो चुका है, और वहाँ पे वो जो पुराने सॉफ्टवेयर है, वो जो पुराने गेम है, उनको बनाने वाली जो कंपनी है वो आज की डेट में एग्जिस्ट नहीं करता। ऐसा हो सकता है कि वो कंपनी बंद हो चुका है या फिर किसी और कंपनी ने उस पुराने कंपनी को खरीद लिया है, ऐसा भी हो सकता है। और जो नया कंपनी है उसको उस पुराने सॉफ्टवेयर पे, उस पुराने गेम के ऊपर कोई भी इंटरेस्ट नहीं है या फिर उसके बारे में पता ही नहीं है। तब एक पुराना सॉफ्टवेयर, एक पुराना गेम अबंडन वायर में कन्वर्ट होता है। अब यहाँ पे कुछ केसेस में होता है, सारे के सारे पुराने सॉफ्टवेयर, पुराने गेम्स अबंडन वायर में कन्वर्ट नहीं होता, कुछ केसेस में होता है जो मैंने आपको बताया। अब अगर कोई एक सॉफ्टवेयर, कोई एक गेम अगर ये सारे क्राइटेरिया फुलफिल कर भी रहा है फिर भी वो अबंडन वायर में कन्वर्ट होगा या फिर नहीं होगा, वो अलग अलग फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। वो मैं यहाँ पे इतना डेप्थ में नहीं बता सकता आपको। चलिए बात करते हैं क्या अबंडन वायर इलीगल है। यहाँ पे मैं आपको अबंडन वायर के बारे में थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, इसमें बंच ऑफ सॉफ्टवेयर्स है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स है इसमें। अब यहाँ पे ऐसा मान लीजिए कि 1998 में या फिर 2000 में माइक्रोसॉफ्ट नाम का कोई एक कंपनी था, आज की डेट में माइक्रोसॉफ्ट नाम का कोई कंपनी अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ये जो पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर है, ये आज की डेट में अबंडन वायर हो सकता था। ठीक है, अब ऐसे ही कोई एक अगर पुराना गेम है जो 1997-1998 में अवेलेबल था, उस गेम का जो ओनर है वो आज की डेट में एग्जिस्ट नहीं करता है, या फिर उस गेम का सेल बंद हो चुका है, या फिर उसका कस्टमर सपोर्ट बंद हो चुका है, या फिर जो नया कंपनी है जिसने उस पुराने गेम को ख़रीदा है, उसका वो जो पुराने गेम है उसके रिगार्डिंग कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, तब वो जो पुराना गेम है वो आज की डेट में अबंडन वायर हो सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं बताने को, मतलब इतना बताना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, फिर भी मैं आपको यहाँ पे थोड़ा थोड़ा बताता चला जाता हूँ ताकि आपको अबंडन वायर के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी हो जाए। इसके बाद हम बात करते हैं कि अबंडन वायर इलीगल है कि नहीं, जिसके बारे में मैं आपको कुछ टाइम पहले बता रहा था। यहाँ पे एक तरफा देखा जाए तो अबंडन वायर ऑब्वियसली इलीगल है, पर कुछ केसेस में अबंडन वायर इलीगल नहीं है। जैसे कि अगर कोई कंपनी एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर की एक पर्टिकुलर वर्सन को फ्री में और पब्लिकली अनाउंस कर दे, फ्री अनाउंस कर दे, और वो जो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर का जो पर्टिकुलर वर्सन है वो अगर बाद में कभी अबंडन वायर में कन्वर्ट हो, तो अगर कोई एक वेबसाइट उस अबंडन वायर को अपने वेबसाइट में अपलोड करे तो ये चीज़ इलीगल नहीं है। कोई एक अबंडन वायर की वेबसाइट अगर उस सॉफ्टवेयर को अपने वेबसाइट में अपलोड करता है तो ये चीज़ इलीगल नहीं है। यहाँ पे सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं, उसके साथ साथ गेम्स भी अगर कोई एक कंपनी फ्री में अवेलेबल कर दे, पब्लिकली उसको अनाउंस कर दे कि ये सॉफ्टवेयर या फिर ये गेम फ्री है, तो इस कंडीशन में ये पूरी तरीके से लीगल है। चलिए बात करते हैं कि इलीगल कब है, अबंडन वायर इलीगल कब है। जैसे कि अगर कोई एक कंपनी ने किसी गेम को बनाया था बहुत पहले, मान लीजिए 1994 या फिर 1990 में बनाया था किसी गेम को, उस गेम का आज की डेट में कोई चर्चा नहीं होगा, इसका सेल भी नहीं होगा, कस्टमर सपोर्ट वगैरह कुछ भी नहीं होगा, शायद वो कंपनी भी बंद हो चुका है, या फिर उस कंपनी ने उस गेम के बारे में सोचना छोड़ दिया है, उस गेम के ऊपर कोई इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, या फिर उस सॉफ्टवेयर के ऊपर इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, और उसके बारे में कोई उन लोगों का कोई सिरदर्द भी नहीं है उस गेम के बारे में या फिर उस सॉफ्टवेयर के बारे में। अब मान लीजिए कोई एक वेबसाइट अगर उस गेम को अपने वेबसाइट पर अपलोड कर दे फ्री में, तो ये ऑब्वियसली इलीगल है, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो गेम है या फिर जो सॉफ्टवेयर है, ये
उसी कंपनी का प्रॉपर्टी है, उस कंपनी ने इस गेम को बनाया है या फिर सॉफ्टवेयर को बनाया है, तो ये जो सॉफ्टवेयर ये जो गेम है ये ऑब्वियसली उस कंपनी का प्रॉपर्टी है, तो ये इलीगल चीज़ है। किसी की प्रॉपर्टी को कोई और अगर अपने लिए यूज़ करे बिना परमिशन या फिर उसके साथ पैसा कमाए बिना परमिशन, तो ऑब्वियसली ये इलीगल है। अगर उस कंपनी ने, वो जो पुराना कंपनी था जिसने उस गेम को 1990 में या फिर 1994 में बनाया था, अगर उसने बाय चांस इसके अगेंस्ट केस कर दिया जिसने इसको अपलोड किया है, या फिर उसके अगेंस्ट कोई एक्शन ले लिया, तो जिसने उसको अपलोड किया है वो बहुत ही ज़्यादा मुसीबत में पड़ जाएगा। कोई भी कॉपीराइटेड मटेरियल अगर एबंडॉन्ड है, मतलब कि वो कंपनी ने या फिर उस ओनर ने उसके बारे में सोचना बंद कर दिया है, इसका मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो जो सॉफ्टवेयर है, वो जो गेम है, वो जो वीडियो है, कुछ भी मटेरियल हो, वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, कोई जाके उसको यूज़ कर लेगा, उससे पैसा कमा लेगा, ऐसा नहीं है। कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी गेम, किसी भी तरह की कोई कंटेंट हो, अगर वो कॉपीराइटेड है, तो अगर उस गेम को, उस सॉफ्टवेयर को, उस वीडियो को, कोई भी मटेरियल हो, अगर उसको किसी एक पर्टिकुलर इंसान ने बनाया है, जब तक उस इंसान की मौत के बाद 70 साल पूरा नहीं होता, तब तक वो प्रॉपर्टी किसी और का नहीं है। अगर किसी कॉरपोरेशन ने उसको बनाया है, कोई एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है, या फिर किसी टीम ने बनाया है उस सॉफ्टवेयर को, उस गेम को, उस कंटेंट को पर्टिकुलर, तब उस कंटेंट की तैयार होने की 95 इयर्स के बाद वो जो कंटेंट है वो कॉपीराइटेड नहीं रहेगा। ऐसे अगर हम कहें तो मेरा जो ये वीडियोस है, ये जो वीडियोस है ये मेरा तो प्रॉपर्टी है ही है, ये सारे के सारे वीडियोस तो ऑब्वियसली कॉपीराइटेड है। उसके साथ साथ जब तक मैं इसमें काम कर रहा हूँ, जब तक मैं मरता नहीं हूँ, और उसके साथ साथ मेरे मौत के बाद भी और 70 साल ये जो सारे के सारे वीडियोस हैं ये किसी और का नहीं है। तो यहाँ पे कॉपीराइटेड चीज़ों के बारे में मैं आपको थोड़ा सा शॉर्टली बता दिया, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं बताने को। अगर कोई एक वेबसाइट किसी एबंडॉन्ड सॉफ्टवेयर को या फिर एबंडॉन्ड गेम को अपने वेबसाइट में अपलोड करता है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि पूरी तरीके से सेफ साइट है। जब तक कॉपीराइट ओनर को पता नहीं चल जाता, तब तक ऑब्वियसली वो सेफ साइट है। अब यहाँ पे एक चीज़ से आप कन्फ्यूज मत होइए, पायरेटेड सॉफ्टवेयर और एबंडॉन्डवेयर दोनों बिल्कुल भी सेम नहीं है। पायरेटेड सॉफ्टवेयर यानी कि आपको जैसे कि पता है कि जो सॉफ्टवेयर आज की डेट में एग्जिस्ट करता है, जैसे कि विंडोज़ या फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड, ये जो सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, इनको अगर कोई फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करता है और उसके साथ साथ यहाँ पे आप उनको डाउनलोड भी करते हो और फ्री में उसको एक्टिवेट करते हो, तो ये सारे की चीज़ें पायरेसी है। पर एबंडॉन्डवेयर ऐसा कुछ भी नहीं है, ये थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ है जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया। पर कुछ केसेस में एबंडॉन्डवेयर इलीगल है, कुछ केसेस में ये लीगल है। तो मुझे लगता है आपको पता चल गया होगा कि क्या है एबंडॉन्डवेयर, क्या है कॉपीराइट का रूल, और भी जो भी चीज़ें मैंने आपको बताया, मुझे लगता है आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर इसके बाद भी आपका कोई सवाल है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और अगर मुझसे कुछ छूट गया तो मुझसे कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हो। तो इसी के साथ आज के वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। देने के लिए दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक नोटिफिकेशन बेल को ऑन नहीं किया है तो उसी नोटिफिकेशन बेल को ऑन भी कर दीजिए। इससे यह होगा कि जब मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पे सब करता हूँ। देने के लिए दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय।